तो ये है वेक्टर ए, और ये बी प्लस सी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है बच्चों, एक साथ नहीं है मिला हुआ। उसी तरह से आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये भी थोड़ा डिस्टेंस पर इक्वल टू जीरो। तो अभी आप लोगों को क्या मानते थे, वेक्टर ए मानते थे, वेक्टर बी या वेक्टर सी इक्वल टू जीरो लेते थे, यानी कि कोप्लिनर होता था। तो यहाँ पर ये हमारा वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, और ये वेक्टर हमारा बच्चों अलग है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या बच्चों, और इन दोनों को क्रॉस में दिखा सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आ गया, और इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा जीरो। अब आप इसको आगे करेंगे तो लिखा जाएगा वेक्टर ए, अब इसको करेंगे बच्चों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो बच्चों वेक्टर बी का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इस सब से कर देंगे पहले, तो आप लोग तो आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आ गया। उसके बाद बच्चों फिर प्लस का साइन आएगा, अब सी से आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, और यह बच्चों इक्वल टू आएगा जीरो। बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, बच्चों ये हमारा क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ओके क्लियर आपको यहाँ तक? अरे क्लियर है बच्चों? तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस, ये बच्चों हमारा जीरो हो जाएगा, और प्लस ये रहेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस, ये बच्चों हमारा कितना है, देखो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी है, तो बेटा एक काम करो इसको इधर लाओ और इसको यहाँ लाओ, तो साइन कैसा हो जाएगा बच्चों फिर हमारा, यहाँ पर बोलो इसका हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस में आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस जीरो और इक्वल टू आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे आप लोग तो आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए। बच्चों अगर कहीं पर किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई सी दो कॉलम या दो रो सेम आ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमारा पूरा डिटर्मिनेंट्स कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, ये दोनों सेम हैं, यहाँ पर ए सेम है, तो बच्चों ये भी जीरो हो जाएगा और प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, आएगा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये है। तो अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसको देखो बेटा पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आप लोग, तो वेक्टर ए क्रॉस प्लस वेक्टर टू बी माइनस वेक्टर सी निकाल लीजिए इसका, तो ए ये आपका ए है, और इसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आ जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस टू बी माइनस सी, ये बच्चों आपका जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी रहेगा माइनस ए सी, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, ये बच्चों एक मिनट
यह है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये साइड चेंज हुआ, ये प्लस का हो गया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका जीरो आएगा। इसके बाद प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस टू बी माइनस सी, और ये आएगा बच्चों माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसको करेंगे आगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, अब इसका इसमें करेंगे प्लस वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट बच्चों आपका ये डॉट में जा रहा है, ओके। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आ गया आपका। उसके बाद अब टू बी का ले लेंगे, तो माइनस, मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ पहले ही, तो टू बी वेक्टर टू बी, और ये आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस टू बी, ये आएगा बच्चों वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस। अब सी का लेंगे बच्चों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारा प्लस हो जाएगा वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा आपका माइनस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आएगा। देखो बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और मैं इसको यहाँ लाऊँ, तो ऐसी कंडीशन में हमारा माइनस जो दे रखा है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आएगा वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, ये आ गया प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये आ जाएगा। उसके बाद जाएगा हमारा माइनस, देखो बच्चों अगर मैं इसको इसको मैं लिखा बच्चों टू लिखा बाहर, और वेक्टर बी और वेक्टर ए और वेक्टर सी ये लिखा है, अगर मैं बच्चों इसको यहाँ लाऊं और मैं इसको यहाँ लाऊं, तो साइन आपस में चेंज हो जाएंगे मेरे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये बच्चों आगे अंदर है आपका वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस, ये आएगा वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर सी। उसके बाद आएगा आपका क्या आएगा बच्चों, देखो क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जीरो हो गया, प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आ गया, और यहाँ पर टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आ गया, ये आपका जीरो, ये भी जीरो, माइनस जीरो, तो आ गया थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों, बी वेक्टर सी, ओके। अब इसको बच्चों हम लोग कर सकते हैं, वेक्टर ए जो है उसको बाहर ले लो, और यहाँ दिखा दो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब सी का वैल्यू कितना बच्चों, ये हमारा सी का वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए, और ये आएगा वेक्टर बी क्रॉस कितना है बच्चों, थ्री ए माइनस टू बी है बच्चों, वेक्टर ए। अब बच्चों इसका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो थ्री बाहर आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस टू बाहर आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। बच्चों वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो वेक्टर ए थ्री वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो,
इसका भी अंदर कर दो बच्चों, कितना आएगा 3 और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस 0। बच्चों मैंने आपको बताया था किसी डिटरमिनेंट्स में कोई सी दो रो या कॉलम सेम हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिटरमिनेंट्स क्या होता है 0। यहाँ पर बच्चों ए की है और यहाँ भी ए है, दो सेम है तो ये हमारा हो जाएगा 0। बस ये हमें इसमें प्रूफ करना था। क्लियर आप लोगों को? हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों बोलो? वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी क्या होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। दूसरा निकालेंगे बच्चों ए सी, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, और फिर निकालेंगे ए डी, तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, ये आप लोग निकालेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वॉल्यूम ऑफ इसका बच्चों वॉल्यूम आपका टेट्राहाइड्रॉन, हेड्रॉन का निकालना बच्चों, तो बेटा ये होता है 1/6 ए बी ए सी और ए डी। बच्चों दिख रहा है? तो सबसे पहले निकालो बी क्रॉस सी, ये आएगा आई जे के, बी का कितना है 3, ये है बच्चों बी का ये वाला, इसमें बच्चों एक मिनट बेटा 3i+2j है, और C का बच्चों ये है कितना है 2i+j+3k, यहाँ पर K है बच्चों, ये K छूट गया, उन्होंने K खा गए ये लोग, बहुत मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। तो 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 0, यहाँ पर आएगा 2, 1 और 3। इसको बच्चों एक्सपेंड करेंगे आप लोग तो कितना आएगा आई 6-0-j, कितना आएगा 3×9-0+k 3-4, यह आएगा 6i-9j और माइनस k, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या निकालना है आपको, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है, तो निकालिए i j और k। a कितना है बच्चों आपका, a ये है देखो, ये a है, तो a में है बच्चों आपका ये बेटा k है, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर k लिखना, ये k है, तो आएगा 1, 2, 3। और b क्रॉस c क्या है बच्चों आपका, ये है, रखेंगे 6-9-1। अब बच्चों इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ओके, तो कितना आएगा बच्चों देखो, ये आ जाएगा आई 2+27-j, जे के लिए आएगा 1 और -18+k, के लिए आएगा -9-12, तो ये आ जाएगा आपका 25i, उसके बाद प्लस का 19j, और इसके बाद -21k, ये आ गया आपका। ये क्या है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आ गया। क्लियर है आपका बच्चों? अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद आपको क्या निकालना है, ए डॉट सी निकालना है, ए डॉट सी निकालो, कैसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, आराम से निकाल लेंगे। तो आई प्लस 2j+3k डॉट सी कितना है 2i+j+3k,
ये आएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 और 3 जा 9, कितना आएगा ये बोलो, 13 आ गया, कितना आया 13। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें क्या निकालना है, देखो ए डॉट बी निकालेंगे, निकालोगे इसे ए डॉट बी तो कितना आएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी कितना है बच्चों, 3i प्लस 2j, ये है, तो ये आ जाएगा 3 और 2 2 जा 4, कितना आएगा 7, ये 7 आ गया आपका। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर लेंगे हम, लिखेंगे RHS, और RHS में क्या दिया गया है, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और सी। तो बच्चों वैल्यू रख दो, ए डॉट सी का वैल्यू कितना आया है 13। इसके बाद वेक्टर बी कितना है आपका, देखो वेक्टर बी ये है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस ए डॉट बी कितना आया है 7, ये 7 रखो, और इसके बाद कितना है वेक्टर सी, वेक्टर सी बच्चों ये है, ये वैल्यू रखेंगे आप लोग, देखिए कितना है 2i प्लस j प्लस 3k, ये है, तो ये आ जाएगा बच्चों 13 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा बोलो, 39i प्लस 26j माइनस 14i माइनस 7j माइनस 21k। ओके, अरे बोलो यस सर नो सर। ठीक है, अब देखो 39 में से 14 माइनस करो कितना आएगा, 25 आएगा, तो 25i, और 26 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 19j माइनस 21k। देखो ये है और ये सेम आ गया, दोनों सेम है, तो लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, करो। वेक्टर ए, पहले LHS लिख लीजिए यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों इसको लिखा जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर बी माइनस, अब इसको ले लेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, सेम इसी तरह से हम इसको करेंगे, क्या आएगा आपका वेक्टर बी वेक्टर ए, ये डॉट है बच्चों बीच में आपका, ओके, और वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, एक मिनट आपका सी आ जाएगा, बी और सी और वेक्टर ए प्लस, अब इसको करेंगे बच्चों इसी तरह से आप लोग, कितना आएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस, यह आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये आ गया बच्चों। ओके क्लियर है आपको? हाँ बेटा, अब आप इसको करेंगे आगे, देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी, या इसको मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपस में, जब चेक करो, करो बच्चों कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो जरा,
देखो बी सी, बी सी ये है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। आई थिंक आंसर 0 आ गया, क्या बोलते हो?